हेलो स्टूडेंट, आई एम मेक सिंह। और बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ट्वेल्थ क्लास की, यूपी बोर्ड की ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट पोएम, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन। ठीक है बेटा, तो जब भी हम कोई पोएम को एनालाइज एक्सप्लेन करें, उससे पहले हम लोग ना थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा, अगर ज़्यादा ना हो। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है पोइट, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है पोइट्री में, तो आप पोइट के बारे में जो भी कुछ गिवन है उसको पढ़िए। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा इंग्लिश में कुछ आगे करना है तो आप लोग डीपली पढ़िए। अगर आपको यही है कि बस हमें तो ट्वेल्थ में पास करना है बस, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद जो आपका अबाउट द पोएम है बच्चे, ये ना जो अबाउट द पोएम है, इससे आपके आपका जो वो बनता है सेंट्रल आइडिया बनता है। अगर आपको ये आता है तो आपका सेंट्रल आइडिया पक्का हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अबाउट द पोएम पहले पढ़ लीजिए। आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हो तो उसको पहले से पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या है, अब देखिए ये जो पोएम है इसमें क्या बता रहे हैं हमारे पोइट। वो कह रहे हैं कि भाई, जो हेनरी वॉटन बता रहे हैं कि भाई जो लाइफ है, ठीक है, वो कह रहे हैं जो लाइफ है हैप्पी मैन की, वो क्या है, वो बिल्कुल ही फ्रीडम फ्री रहता है। ठीक है, सारी चीज़ों से, मतलब वो ऑनेस्ट रहता है, ट्रुथ रहता है ना, और उस अपने आप में वो फेथफुल होता है। ठीक है, तो ऐसे वो क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई वो जो हैप्पी मैन क्या करता है, वो कंटेंटमेंट रहता है। कंटेंटमेंट मतलब जानते हो, संतुष्ट रहता है। और ठीक है, और वो अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, करता है कि भाई एक अच्छी बुक के साथ में या अच्छे फ्रेंड के साथ में। ठीक है, तो हैप्पी मैन को हमारे जो पोइट ने बताया है कि भाई हैप्पी मैन क्या करता है, अपने पूरे दिन को स्पेंड करता है विद द हेल्प ऑफ गुड बुक और गुड फ्रेंड। ठीक है, तो और वो आगे कहते हैं कि जो हैप्पी मैन है वो खुद का स्वामी होता है। मतलब जैसे मान लो कि आप हैप्पी मैन है तो आप खुद की सुनते हैं, है ना, तो आप लोग किसी के गुलाम नहीं होते हैं। तो जो हैप्पी मैन है वो आप, वो अपने आप अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, ही सर्वे ही मे बी पुअर बट मॉरली ही इज ऑलवेज ग्रेट। हमारे पोइट कहते हैं हेनरी वॉटन कि भाई जो हैप्पी मैन है, मान लीजिए कि वो पुअर हो सकता है, लेकिन वो क्या रहता है, वो मॉरली ग्रेट रहता है। तो इन शॉर्ट बच्चे आपको बता दूं कि ये जो पोएम है, इसके जो इसका जो सेंट्रल आइडिया बनता है कि भाई जो हमारे पोइट बताते हैं कि भाई हैप्पी मैन वो है जो अपने आप खुश रहे, किसी पर डिपेंड ना रहे, ट्रूथ हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, और संतुष्ट हो। ठीक है, और वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहे बिना किसी उसके, और किसी से घृणा ना करता हो। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल आइडिया। ठीक है बच्चे, अब आज आप पोएम पे आते सीधे। देखिए हेनरी वॉटन कहते हैं, हाउ हैप्पी ही बॉर्न और टॉट। वो कहते हैं कि जो हैप्पी आदमी है, क्या वो जन्म से पैदा होता है या फिर वो सीखता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डाउट है तो आप पूछना मुझे बाद में। ठीक है, तो आप वो कहते हैं कि भाई जो हैप्पी है वो क्या शुरू जन्म से होता है या फिर बाद में वो बनता है, सीखता है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। जो आदमी किसी और की विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। विल जानते हो, इच्छा। अब यहाँ पे विल विल मतलब आगे की नहीं है, यहाँ पे इच्छा है, डिजायर है। तो वो कहते हैं वो जो हैप्पी मैन कौन है, जो अपने हिसाब से काम करता है, किसी की इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। और उसका जो आर्मर क्या है, उसका जो हथियार क्या है बच्चे, उसकी जो ऑनेस्ट थॉट है, जो उसकी ईमानदारी की जो थॉट है, वो क्या उसका एक हथियार है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑटमोट स्किल। और जो सिंपल ट्रूथ वो क्या है, वही उसकी नॉलेज है ना। ये जो ना वर्ड है ऑटमोट स्किल्स, जानते हो, ये योग, ये स्किल मान लीजिए, अब जानते हैं एबिलिटी होती है। ठीक है, और ये ना जो वर्ड है ऑटमस्ट मोस्ट, ये आपका क्या है, ग्रीट। तो वो कहते हैं पोइट कि भाई ये सिंपल ट्रूथ है, वो क्या है उसका, उस आदमी का, उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। समझ में आ गया चार लाइन, दोबारा सुन लीजिए। हैप्पी मैन है, हेनरी वॉटन कहते हैं कि हैप्पी मैन क्या है, वो जन्म से होता है या फिर वो सीखता है ना। वो आदमी किसी की विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। ठीक है, और उसका एकमात्र हथियार क्या है, उसकी ईमानदारी की सोच है। और उसका सिंपल ट्रूथ ही क्या है, वो उसका उसकी योग्यता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। ठीक है, वो जो पैशंस हैं, उसके विचार हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी जो इच्छा है वो किसी के गुलाम नहीं है, वो खुद का स्वामी है ना। हुज सॉल इज स्टिल फॉर दैट। और उसकी जो सॉल है, जो उसकी आत्मा है, सॉल मीन्स होता है आत्मा, वो क्या है, वो हमेशा
प्रेपर रहती है मौत के लिए। आई मीन जो हैप्पी मैन है वो डरता नहीं है किसी से कि भाई मौत से, भाई मत कि मौत आ जाएगी भाई हम लोग, तो वो हमेशा रेडी रहता है कि भाई सबको आनी है एक दिन। तो ठीक है, आगे देखिए। अनटाइड अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। वो ना तो किसी, अब जैसे कोई फ्लैटर्स लोग होते हैं ना, किसी की बुराई करते हैं, ना तो उनकी परवाह करता है और ना ही उसे किसी प्रिंसली लव की केयर करता है वो। मतलब ना तो उसे किसी प्रिंसली, जो राजा है या कोई राजकुमार है, उसको उसकी प्रिंसेस उसकी बढ़ाई करे, या फिर वो ना ही केयर करता है कि कोई उसकी बुराई करे। ठीक है, वो हमेशा अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। उसकी जो लाइफ है वो क्या होता है, रूमर्स से फ्री होती है। रूमर्स जानते हैं, अफवाहें होती है बच्चे, है ना। तो हमारे हेनरी बॉटम कहते हैं कि भाई जो हैप्पी मैन है उसकी लाइफ क्या है, रूमर्स से फ्री रहती है, मतलब उसमें अफवाहें नहीं होती हैं। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। और वो क्या करता है हैप्पी मैन, वो हमेशा अपनी जो उसकी कॉन्साइंस है, उसकी अंतरात्मा है, वो उसकी सुनता है ना, उसका वही स्थान है। ठीक है, रिट्रीट जानते हो प्लेस होता है। तो वो कहते हैं, पोइट कहते हैं कि भाई जो हैप्पी मैन है वो अपनी कॉन्साइंस की सुनता है, अपनी अंतरात्मा की सुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। ठीक है, मतलब उसकी जगह, उसके लिए, उसके मतलब उसके स्टेट में चापलूसी कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, जानते हैं आप लोग फ्लैटर्स क्या होते हैं, जो चापलूसी करते हैं। जैसे मान लो कि कोई किसी से काम कराना हो तो चापलूसी करते हैं उसकी। ठीक है, उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं, तो होते हैं फ्लैटर्स। नॉर रोइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। हमारे पोइट बताते हैं कि भाई जो हैप्पी मैन है वो कभी भी ना जो उसके ऑपरेशंस हैं उनको, मतलब वो रोइन नहीं करता है। मतलब किसी अपने दुश्मन को वो कभी भी नहीं, कभी नीचा नहीं दिखाता है। हैप्पी मैन ना जो खुश आदमी है कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो ऑपरेशन है, उसके दुश्मन से दुश्मन है, है ना, उनको वो नीचा दिखाए, सोचता नहीं कभी वो। हुज एनेमी नन, उसका कोई दुश्मन नहीं है। हुज एनेमी नन, उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। होम चांस टू चांस डॉट रेस, जिससे वो उसे ऊपर उठना है। ठीक है, तो पोइट कह रहे हैं कि भाई उसका कोई दुश्मन नहीं होता हैप्पी मैन का, और होता भी नहीं है। नॉर वाइज, ठीक है, नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही वो ऐसा कोई पाप करता है। वाइज जानते हो, हाँ ठीक है, पाप होता है ना इसे वो। ठीक है, तो इमोल्टी मान लीजिए, कोई एबल डीड मान लीजिए, एबल टास्क मान लीजिए, उसे कहते हैं वाइज। ना ही वो, मतलब उसे ना तो डर रहता है कि भाई ऊपर उठने का, ना ही वो कोई कुछ ऐसा कुछ करता है। ठीक है, अब देखिए आगे। हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विद द प्रेस, कि जो प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। मतलब कि जो एक टाइप से कह सकते हैं, पोइट बता रहे हैं कि जो हैप्पी मैन है वो एक टाइप से इनोसेंट रहता है। ठीक है बच्चे, देखिए आगे। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। आगे ये जो लाइन है मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये पोइट बता रहे हैं कि भाई जो हैप्पी मैन है, देखो, नो रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी भी स्टेट के रूल्स को नहीं मानता है। मतलब कोई राजा हो, कोई भी हो, किसी के रूल्स को नहीं मानता है वो। लेकिन वो क्या करता है, वो अच्छे रूल्स को मानता है, वो जो अच्छे रूल है उनको फॉलो करता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। ये लाइन समझ में आ गई होंगी, इजी है, और अगर नहीं आए तो बाद में मुझे बता देना आप लोग। अब आगे देखिए। हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे। वो क्या करता है हैप्पी मैन, वो भगवान की मतलब प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है सुबह शाम। ठीक है, वो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी सेवा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। वो केवल भगवान के ग्रेस के लिए करता है, ना कि कोई गिफ्ट के लिए। ठीक है, वो केवल भगवान की दया के लिए प्रार्थना करता है। ग्रेस जानते हो दया, ठीक है, दया के लिए प्रार्थना करता है, ना कि किसी गिफ्ट के लिए। मतलब कि जो हैप्पी मैन है उसको कभी, वो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है। ठीक है, बस उससे प्रार्थना करता है कि उसकी दया बनी रहे बस उसके ऊपर। अब आगे देखिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड। अब आगे जो हमारे पोइट हैं हेनरी वॉटन बता रहे हैं कि भाई जो हैप्पी मैन है वो अपना पूरा दिन जो उसका पूरा डे वो स्पेंड करता है किसमें, एक अच्छी बुक में है, एक अच्छी बुक चुनकर, और या फिर एक अच्छे फ्रेंड के साथ में, जो दोस्त है। जैसे मान लो कि कोई भी आपका जो दोस्त है जो हैप्पी रहता है, वो
मोस्टली बिजी रहेगा अपनी अपनी स्टडी में या फिर ठीक है अच्छे कामों में, वो केयर नहीं करते फ्लैटर्स की। तो हमारे पोइट बता रहे हैं कि भाई जो हैप्पी मैन होगा, जो खुश होगा है ना, वो क्या करेगा, वो अच्छी बुक पढ़ेगा और अच्छे दोस्तों के साथ में रहेगा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट की जो 4 लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। आगे पोइट कहते हैं कि भाई ये जो आदमी है ना, ये सारे जो बैंड, सारे जो बंधन है ना, उनसे ये मुक्त रहता है, फ्री रहता है। जितने भी ये जो ना सर्वाइल बैंड क्या होता है, गुलामी के होते हैं बंधन, ठीक है, गुलामी के होते हैं, तो उनसे ये मुक्त रहता है, फ्री रहता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। आगे पोइट कहते हैं कि इस आदमी को ना तो उठने की उम्मीद होती है, ना इसे गिरने का डर होता है। अब देखो होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो इसको उठने की उम्मीद है, मतलब ऊपर आगे बढ़ने की उम्मीद है, ना इसको गिरने का डर है, फियर नहीं है इसको। ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये क्या है, स्वयं का मालिक है, मतलब स्वयं की मानता है। ये जो आदमी है ना, जो हमारे पोइट बता रहे हैं, बटन ये कह रहे भाई स्वयं की सुनता है ये। ठीक है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, ठीक है, हालांकि ये जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी उसका मालिक नहीं है, लेकिन क्या है, खुद का मालिक है, समझिए बच्चे। देखो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स, जो यूनिवर्सल जो लैंड्स हैं, जो सारी इसमें देखो लैंड पे, लैंड को दिखा रहा है पोइट की सारी प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मान लो कि लग्जरी थिंग्स मान लीजिए, ठीक है, उनको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है बहुत कुछ सिखा देती है आप लोगों को, समझिए। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। आगे पोइट कहते हैं कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। बेटा ऐसा क्या है, उसके पास कंटेंटमेंट है ना, उसके पास फेथ है, तो ये सारी चीज़ें उसके पास, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उसके पास हैं, तो इसलिए क्या है, वो कुछ ना होती उसके पास बहुत कुछ है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा पोएम, फर्स्ट पोएम, ओके, द ट्री सॉरी द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो मन में तो आप मुझे पूछिएगा, ओके बेटा, ओके। और जो भी आपको कुछ मेटेरियल चाहिए ना, मेटेरियल आपको नीड है, मेटेरियल जो आपको चाहिए आपकी एग्जाम के रिलेटेड, तो मुझे बताइए, मैं आप जो भी आप कहोगे, जैसे कोई, जैसे आपका ड्रामा है 12th में और आपकी ग्रामर भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वाइड मान लीजिए है ना, यूपी बोर्ड की ग्रामर काफ़ी वाइड है, जिस जो उसे कर लेगा ना वो कहीं मार नहीं खाएगा, ओके, हम उसे भी कवर कर लेंगे, पहले हम पोइट्री को कवर कर लें, उसके बाद हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ओके बेटा। एक बार अगर समझ में आया तो दूसरी बार वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, फिर आराम से आ जाएगा, क्योंकि पोइट्री है, कोई कहानी नहीं है दादी नानी की, आराम से आ जाएगी, थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ता है, ओके बच्चे, थैंक यू।